यू आर दी एसएचओ ऑफ कंकड़बाग, व्हाट इज योर नेम? रविशंकर सिंह सर। मिस्टर रविशंकर सिंह, देर आर सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट यू। आपने वकील साहब से बात किया है सर? क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया गया। आपने वहाँ पर खड़ा होकर के खाली कराया, ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपने तरफ से जोर आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या क्या करना है बताइए सर? ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18-18-10 की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं, मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराए वाले लोग के विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर, 8 या 9 के बीच में मेरे पास कॉल आया कि मकान खाली के लेकर दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थी, हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पर विधि व्यवस्था को संधारित की दी और दोनों पक्ष को थाना पर ले जाइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए, वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर। दोनों पक्ष थाना पे आ गए, दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको कोई FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बाद उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं तो उसमें 2 गवाह का साइन है, वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किरायेदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किरायेदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं तो वो स्वतः खाली करके चले गए। ये थाना को कोई जानकारी नहीं और विद इन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, ना कभी मेरे सामने वो सर आए और ना कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी के रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान, मतलब सर वो भी हम नहीं जानते हैं कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पर रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष पर 107 कर दिया। बस सर यही है सर। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई सर, सर मालूम है आपको? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किरायेदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग क्या थी जानकारी में नहीं है सर, ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था तो आपको एक्शन लेने का पावर था। दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है न मेरे द्वारा सामान निकाला गया, दोनों पक्ष ही आपस में। दीजिए साहब कहाँ है पेन ड्राइव? यस सर, पेन ड्राइव को जरा प्ले कीजिए। चलिए 2:15 में वो 31 हो गया। yes, 2:15 में हम लोग इसको प्ले करेंगे। इसको आप तब तक रेडी करके रखिएगा, 2:15 में इसको प्ले करेंगे हम लोग। परमिशन मे बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द डिफेक्ट नंबर 2 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे।